पशुधन कृषि का अभिन्न अंग है। हमारे देश में 19वीं पशु गणना के अनुसार 51.2 करोड़ पशु उपलब्ध हैं, जिनमें से गोवंश में पशुओं की संख्या 19.1 करोड़ है। साल 1969 के प्रारंभ में गोपशु की हरियाणा नस्ल और विदेशी नस्ल के संकरण से नई नस्ल विकसित करने की दिशा में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना आरंभ की गई। इस परियोजना के परिणामों और उपलब्धियों को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सैन्य प्रक्षेत्र निदेशालय रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली के सहयोग से संकर प्रजाति की गाय के विकास के लिए सैन्य फॉर्म मेरठ पर 23 मई 1985 को एक परियोजना का शुभारंभ किया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना को विज्ञान और तकनीकी सहयोग देने के लिए गोपशु परियोजना निदेशालय की स्थापना 3 नवंबर 1987 को मेरठ में की गई। साल 2014 में इस परियोजना निदेशालय को केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान का नाम देकर प्रोन्नत किया गया। हमारे देश में गोवंश की संख्या 19 करोड़ से भी ज्यादा है, जिसमें देशी नस्लें और वर्णित नस्लें की संख्या 14 करोड़ से भी ज्यादा है। इतना संख्या में गोवंश होने के बावजूद हमारा देश के जो गाय हैं उनका प्रतिदिन प्रति पशु की दुग्ध उत्पादन क्षमता बहुत ही कम है। विगत वर्ष में जनसंख्या का वृद्धि देखते हुए बढ़ती हुई जनसंख्या की दूध का मांग पूरी करने की मंशा से देशी नस्लों के गाय के साथ विदेशी गाय का संकरण का एक प्रयोग अपनाया गया। विगत 30 साल से भी अधिक समय पर 35 से भी ज़्यादा सैन्य फार्म पर 20,000 से भी अधिक संकर गाय के ऊपर प्रजनन विधि का प्रयोग करके एक संकर दुधारू फ्रिजवाल नाम का नस्ल का विकसित किया गया। हमारा संस्थान का और एक काम है, कैसे कम लागत पर संतुलित पशु आहार का विकसित किया जाए और साथ में बायोटेक्निक्स के इस्तेमाल से, जैसे जीनोमिक सिलेक्शन, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और IVF, ये सब टेक्नोलॉजी द्वारा भी कैसे द्रुत गति से आनुवंशिक उन्नति किया जा सके, इसके ऊपर भी हमारा संस्थान काम कर रहा है। आज संपूर्ण भारत और विश्व में डेयरी पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की विधि अपनाई जा रही है। चुने हुए अच्छे नस्ल के सांड से कृत्रिम विधि से सीमेन इकट्ठा किया जाता है। सीमेन की गतिशीलता और शुक्राणु सांद्रता के आधार पर कुछ विशेष माध्यमों से उनके आयतन में वृद्धि की जाती है और फिर इस सीमेन को भविष्य में किसी भी स्थान और समय पर प्रयोग करने के लिए संरक्षित कर लिया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से श्रेष्ठ गुणों वाले सांड को अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक विधि में एक साल में 50 से 60 गाय या भैंस ही गर्भित हो सकती हैं, जबकि कृत्रिम गर्भाधान विधि से एक साल में हजारों की संख्या में गायों और भैंसों को गर्भित कराया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान का पूरा फायदा लेने के लिए किसान भाइयों को थोड़ा सा भी ध्यान भी देना पड़ेगा। उन्हें यह देखना पड़ेगा कि जब वो कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं उस वक्त उनकी गाय वास्तव में गर्मी में तो होनी चाहिए और जो वीर्य है, वीर्य जो है अच्छी किस्म का वीर्य हो, अच्छी प्रयोगशाला द्वारा बना हुआ वीर्य लें ताकि उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो अधिक दूध देने वाले बच्चे पैदा हों। इसके साथ साथ इसके फायदे किसान भाइयों को ये हैं खास तौर से कि एक तो किसान भाइयों को खुद को कोई सांड को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, दूसरा यह है उसको उच्च गुणवत्ता वाला वीर्य जो कि लैब में परखा हुआ है वो मिल जाता है, तीसरा फायदा इसका यह है कि जब हम नेचुरल सर्विस कराते हैं तो जो घूमते हुए सांडों से कराते हैं उनमें कोई बीमारी मिल सकती है और वो बीमारी जब वो गाय को गर्भित करती है तो वो बीमारी जो है उसके बच्चेदानी में पहुंच जाती है और गाय जो है फिर वो नहीं ठहरती है। लेकिन प्रयोगशाला से लिया हुआ वीर्य जब कृत्रिम गर्भाधान से प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस वीर्य की पूरी जांच की जाती है, इसलिए उसमें उसकी बच्चेदानी में कोई भी बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है। संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार सही भरण पोषण का शारीरिक बढ़वार, प्रजनन क्षमता और स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही उचित आहार प्रबंध से गाय न केवल अधिक दूध देती है बल्कि शीघ्र ही दोबारा गर्भित भी हो जाती है। इसके साथ ही दुग्धावस्था के दौरान गो पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता, हरे और सूखे चारे की उपलब्धता के साथ
पोषण प्रबंधन पर निर्भर करती है। सामान्यतः हम पशुओं के लिए और अपने दुधारू गाय के लिए जो दाना बनाते हैं उसमें 100 किलोग्राम दाने के लिए 33 किलो अनाज, 33 किलो खली और 33 किलो चोकर, चूरी या चावल की भूसी इत्यादि चीज़ों का उपयोग करते हैं। इसमें 2 किलो खनिज मिश्रण और 1 किलो नमक मिलाकर संतुलित पशु आहार बना लेते हैं। सामान्यतः प्रतिदिन 3 किलो दूध उत्पादन के लिए पशु को बहुत अधिक दाने की आवश्यकता नहीं होती है, पर इसके बाद अगर और दूध अगर होता है तो हर 1 किलो दूध के लिए 400 से 500 ग्राम दाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा पशुओं के लिए हरे चारे और सूखे चारों की व्यवस्था हमेशा ही करनी पड़ती है, क्योंकि चारे पर निर्भरता जो होती है वो दूध उत्पादन के लिए सबसे सस्ता पड़ता है, दाना महंगा पड़ता है। इसलिए अगर हमारे पास हरा चारा भरपूर मात्रा में उपलब्ध है तो हम उसे अपने पशुओं को अच्छे से खिलाएं। और इसके बाद पशुओं के लिए बहुत सी चीज़ें, जैसे दूध में हमें कमी हो जाती है तो उस समय हमें खनिज मिश्रण पर बहुत ध्यान देना होगा। इसके लिए हमारा संस्थान विशेष तरह का खनिज मिश्रण बनाया है जो हम अपने जानवरों को खिलाकर उनसे उचित मात्रा में दूध उत्पादन ले सकते हैं। संस्थान में अखिल भारतीय समन्वित गोवंश परियोजना के अंतर्गत 3 उप परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। यह संतत परिचय परियोजना है जो लगातार चलती जा रही है और चलती रहेगी, क्योंकि एक बार में कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं हमको बेस्ट बुल का चुनाव करने में, और इन बेस्ट बुल की जो चुनाव कर किया जाता है उनके बच्चियों के दुग्ध उत्पादन के बेस पे इवेल्युएशन होता है। तो जो भी टॉप रैंक्ड सीमेन है, जो सबसे अच्छे बुल होते हैं, उनके सीमेन को हम जो इलीट फीमेल जो हमारी इस परियोजना में 3,000-4,000 किलो दुग्ध उत्पादन प्रति व्याध देती हैं उनसे ब्रीडिंग करवाते हैं, और उससे जो बच्चे पैदा होते हैं मेल, हम उसको फिर अपने परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, उनसे वीर्य कलेक्ट करते हैं और फिर ये ब्रीडिंग के लिए किसान भाइयों तक हम उपलब्ध कराते हैं। हमारी जो योजनाएं हैं वहाँ पर सीमेन लैब है और गिर कानक्रेस के सीमेन बहुत अच्छे उच्च कोटि का वहाँ भी उपलब्ध है, किसान भाइयों को वहाँ से भी मिल सकता है। यहाँ पे भी हम सीमेन लेके आते हैं, जो हमारे आसपास के किसान हैं तो यहाँ से भी हम 20 रुपए में उनको उपलब्ध करवाते हैं, जिससे उनको उच्च कोटि की बच्चियाँ मिले और अगले जनरेशन में अच्छा दुग्ध उत्पादन हो। इस तरह से ये परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी के साथ सेक्स सीमेन, आजकल आप देखेंगे किसान भाई ज़्यादातर बच्चियाँ पैदा करना चाहते हैं, तो सेक्स सीमेन भी कई प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं, जैसे बाबूगढ़ है, इसी तरह से ऋषिकेश में है, वहाँ से आप सेक्स सीमेन ले आएं। रेड सिंधी का भी है, साहिवाल का भी है। किसान भाई जब वहाँ पे अपनी ब्रीडिंग करवाएंगे गाय में और बच्चियाओं में, तो ये निश्चित है कि लगभग 90% बच्चियाँ ही पैदा होंगी। तो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसका किसान भाई फायदा उठा सकते हैं। अच्छे उच्च कोटि का अगर सीमेन आप उपयोग करेंगे, निसंदेह दुग्ध उत्पादन में बहुत ही अच्छी वृद्धि होगी, आपको भी फायदा होगा और पूरे देश को भी फायदा होगा। आपकी जीविका में भी वृद्धि हो, आपको दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हो, इसके लिए आपका सहयोग निरंतर हम लोगों को चाहिए। गोवंश से अधिक उत्पादन पाने के लिए उनका उचित प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। इनमें आवास प्रबंधन, पोषण प्रबंधन और रिकॉर्ड प्रबंधन रखना बहुत आवश्यक होता है। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आज संपूर्ण भारत और विश्व में डेयरी पशुओं में चुने हुए अच्छे नस्ल के सांड से कृत्रिम गर्भाधान की विधि अपनाई जा रही है। संस्थान में गो पशुओं के आनुवांशिक विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की 3 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं,
जिनमें सबसे प्रमुख परियोजना है फ्रीजवाल परियोजना। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गाय की एक नई नस्ल फ्रीजवाल को विकसित करना है, जो कि परिपक्व ब्याप के 300 दिनों में 4% वसा के साथ 4000 किलोग्राम दूध का उत्पादन कर सके। ये परियोजना देश के विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित 43 सैनिक फार्मों के सहयोग से चलाई जा रही है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान अंतर्गत फील्ड पॉजिटिव टेस्टिंग प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। ये प्रोजेक्ट हमारा ऑल इंडिया 4 यूनिट्स में चल रहे हैं। एक गढ़बासू लुधियाना में है, दूसरा कैरोल में है केबासू, दूसरा बेफ पुणे और तीसरा जीबी पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर में। तो ये चारों यूनिट्स में हमारे करीब टोटल 1,00,000 के ऊपर फार्मर्स उसमें जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उसमें हमने देखा है जो हमारा सीमें न्यूज़ करता है, इनका जो प्रोजेनिज आते हैं उनके दूध प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो उसमें उनको दूध बेच के उसको इकोनॉमिकल अपलिपमेंट होता है। उसमें जो किसान है पर मंथ हमने देखा है पूरा चारों यूनिट्स में एवरेज लगा के करीब 15,000 से 1,00,000 रुपये पर मंथ तो उनका फ़ायदा होता है इस हमारा प्रोजेक्ट में जोड़ने से। तो ये प्रोजेक्ट जो हमारा सीमेंट एक्चुअली जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं या फ्रीजवाल सीमेंट, वो बहुत अच्छा गुणवत्ता वाला बोल्स के सीमेंट है। ये सीमेंट यहाँ भी हमारा यूनिट में भी है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, यहाँ भी सीमेंट अगर किसान यूज़ करेंगे तो उनके बहुत अच्छे प्रोजेनिज मिलेंगे। इनके मिल प्रोडक्शन इंस्टेंटली नेक्स्ट जनरेशन में 10 से 15 किलो मिल दूध को दूध उत्पादन मिलेगा। दुग्ध उत्पादन की सफलता पशुओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। पशुपालकों को पशुओं में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। गोपशुओं में कई प्रकार की बीमारियां तेजी से फैलती हैं और बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा पशु इससे प्रभावित हो जाते हैं। गोपशुओं के अस्वस्थ होने पर उत्पादन और पुनरुत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पशुपालकों की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा जाती है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू रोग, लगड़िया रोग और दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाव के लिए कई तकनीकें और उपचार विकसित किए हैं। खुरपका मुंहपका, जिसको FMD भी कहते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज भी इसको कहते हैं, ये एक विषाणु जनित बीमारी है और देश के विभिन्न हिस्सों में हर साल फैलती है। इस बीमारी में पशु को तेज बुखार आता है, पशु के खुरों में एवं मुँह में छाले पड़ जाते हैं, पशु चारा खाना बंद कर देता है एवं दुधारू पशुओं का दूध बिल्कुल सूख जाता है। इस बीमारी की वजह से हमारे देश में डेयरी व्यवसायों को बहुत आर्थिक नुकसान होता है। इसकी गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने खुरपका मुंहपका उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत भारत सरकार साल में 2 बार सभी पशुओं का टीकाकरण करती है। इसी तरह गलाघोंटू, ये बीमारी बरसात के दिनों में फैलती है। ये बीमारी मुख्य रूप से पशु के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने के दौरान गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। इस बीमारी को भी टीकाकरण करा के इससे पशुओं को बचाया जा सकता है। दुधारू पशुओं की एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है थनेला। थनेला इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसकी वजह से पशु का एक या एक से अधिक थन और कभी कभी पूरा अयन भी खराब हो जाता है। यह 2 रूप में होती है, क्लिनिकल एवं सब क्लिनिकल। क्लिनिकल रूप को किसान भाई आसानी से लक्षण देके पहचान सकते हैं, जैसे थनों में अयन में सूजन आना, पानी जैसा दूध आना, दही की तरह फटा हुआ सा दूध आना या रक्त मिश्रित दूध आना। लेकिन सब क्लिनिकल थनेला एक गंभीर बीमारी है, क्योंकि इसको बाहर से देख के नहीं पहचाना जा सकता, इसके लक्षण बाहर से नहीं दिखते, लेकिन पशु का दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है एवं दूध की गुणवत्ता खराब हो जाती है। हमारा संस्थान CMT किट, जो कैलिफोर्निया मेस्टेटेड किट और टीट डिपिंग कप किसानों को वितरित करता है एवं उनको प्रशिक्षण भी देता है। गोवंश से अधिक उत्पादन पाने के लिए उनका उचित प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है। इनमें आवास प्रबंधन, पोषण प्रबंधन, प्रजनन प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, दुग्ध प्रबंधन और रिकॉर्ड प्रबंधन रखना बहुत आवश्यक होता है। गोवंश पालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन अति आवश्यक है, और यदि पशुपालक इन गोवंश का उचित प्रबंधन करेंगे, जिसके कि 4 मुख्य स्तंभ हैं, जैसे कि उनका एक उचित आवास, उचित पोषण प्रबंधन, प्रजनन प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन, यदि पशुपालक भाई इन 4 स्तंभों का ध्यान रखेंगे तो वो अपने गौवंश से एक उचित और एक लाभदायक इस व्यवसाय को बनाने में सहायक होगा। तो पहले मैं अगर उचित आवास की बात करता हूँ, तो आवास जो है, अगर ग्रीष्म ऋतु में हमारे क्या है कि संकर जो गायें हैं
ये बहुत परेशान हो जाती है। इनका उत्पादन है वो गर्मी में बहुत कम चला जाता है। तो पशुपालक भाई ये करें कि जो ये गोवंश हैं खास तौर से संकर नस्ल के, इनको ग्रीष्म ऋतु के जो तनाव है उससे बचाने के लिए गर्मी के मौसम में एक तो फवारे चलाएं और साथ में पंखे चलाएं। तो ये आवास में ये खास ध्यान रखें। इसी तरह से हम जब पोषण प्रबंधन की बात करते हैं कि पशु जब गर्मी का मौसम है तो जब सुबह ठंड है और शाम को ठंड है तो उस मौसम में उस समय में उनको ज़्यादा से ज़्यादा चारा दें, क्योंकि अधिक गर्मी के समय चारा देने से उसमें गर्मी उत्पन्न होती है, पशु तनाव में आता है। इसी तरह से मान लीजिए कोई दुधारू गाय है और हम उसके पोषण प्रबंधन की बात करें तो ये मानिए कि लगभग 2.5 किलो दूध उत्पादन पर 1 किलो उसको दाना मिलता रहे। अब अगर मैं उचित प्रजनन प्रबंधन की बात करूं तो हमारा उद्देश्य होता है कि जो संकर नस्ल की गाय है, लक्ष्य देते हैं पशुपालक भाई को कि एक बच्चा हर साल लेंगे। अब ये कब होगा? ये तभी संभव होगा जब पशुपालक भाई वैज्ञानिक तरीके से उनका प्रजनन प्रबंधन भी करेंगे। इसके बाद अंतिम में मैं एक मुख्य जो प्रबंधन है वो बताना चाहूँगा कि रिकॉर्ड प्रबंधन। यदि आपके पास रिकॉर्ड रहेंगे कि गाभिन हुई है, कब मैंने AI कराई है, वो अगली बार 21 दिन बाद दोबारा हीट में आती है नहीं आती है, और उसके बाद अगर वो गाभिन रुक जाती है तो वो कितने दिन बाद ब्याने की तिथि है, वो संभावित तिथि है, वो रिकॉर्ड में दर्ज करें। और जैसे कोई पशु है उसको बीमारी के जो टीके लगवाए हैं वो टीके कब कब लगवाए हैं, और जो उनको कृमिनाशक दवाई पिलाई है वो कब पिलाई है, अगली हमारी कब ड्यू है। तो इस तरह से अगर पशुपालक भाई वैज्ञानिक तरीके से इन पशुओं का प्रबंधन करेंगे तो यह गौवंश पालन उनके लिए अति लाभदायक होगा। भ्रूण प्रत्यारोपण और सीमेन उत्पादन जैसी प्रजनन सहायक तकनीकों का उपयोग करके गोपशुओं से दुग्ध उत्पादन और गोवंश की संख्या बढ़ाई जा सकती है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। संस्थान में गो पशुओं के आनुवांशिक विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की 3 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें सबसे प्रमुख परियोजना है फ्रीजवाल परियोजना। पशुओं में प्रजनन प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। मदकाल, कृत्रिम गर्भाधान, भ्रूण प्रत्यारोपण और सीमेन उत्पादन जैसी प्रजनन सहायक तकनीकों का उपयोग करके गो पशुओं से दुग्ध उत्पादन और गोवंश की संख्या बढ़ाई जा सकती है। गो पशुओं में गायों की प्रजननशीलता का अति महत्व है और पशुपालक के लिए ये जरूरी है कि उसकी गाय हर वर्ष एक बच्चा दे, जिसके लिए उसका प्रजनन प्रबंधन बहुत आवश्यक है। और प्रजनन प्रबंधन के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज सहायक प्रजनन तकनीकें आजकल बहुत उपयोग में लाई जा रही हैं, जो कि किसान के लिए एक मील का पत्थर और खासकर हमारे पशु प्रजनन के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। उन्हीं में मुख्यतः आज की तारीख में अगर हम देखें तो कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके अलावा ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन, पशुओं का मध्यकाल का समकालीकरण, उसके अलावा ईस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, भ्रूण प्रतिरोपण तकनीक, उसका भी उपयोग आजकल पशुपालक भाई कर रहे हैं। गो पशुओं में पुनरुत्पादन उनके उत्पादन तंत्र का आधार है, यानी जब तक पशु सही समय पर गर्भित नहीं होंगे या उनकी प्रजनन संबंधी क्रियाएं सामान्य नहीं होंगी, तब तक पशुपालकों को हर साल एक पशु से एक बच्चा नहीं मिल पाएगा। साथ ही पशु अपनी संपूर्ण दुग्ध उत्पादन क्षमता भी प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। गो पशुओं में बांझपन और प्रजनन संबंधी समस्याएं पशुपालकों को और डेयरी उद्योगों की आर्थिक क्षति का प्रमुख कारण है, जैसे गो पशुओं में मदहीनता या गर्मी में न आना, बार बार गर्भाधान करवाने के बाद भी गर्भित न हो पाना और बच्चियों का देरी से गर्मी में आना प्रमुख है। हिमीकृत वीर से कृत्रिम गर्भाधान प्रथम पीढ़ी में सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली जैव तकनीक साबित हुई है।
कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर हम बात करें तो ये सबसे प्रभावशाली सबसे सफल तकनीक है जो आज हर पशुपालक अपनाए हुए है। और इसी तरह से ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन भी एक अच्छी तकनीक है जिसके द्वारा बहुत सारे पशुओं को एक साथ गर्मी में लाके एक साथ गर्भित किया जा सकता है और पशुपालक अपने समय के अनुसार उसको नियंत्रित कर सकता है। जैसे कि अगर गर्मी के मौसम में उसको ज़्यादा दूध की मात्रा की आवश्यकता है तो उसका प्रजनन उसी हिसाब से वो कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है कि गर्मी के समय में उनके ज़्यादा पशु ब्याएं और जिससे कि उसका दूध उत्पादन बढ़ सके। पशु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी और दूसरी जैव प्रौद्योगिकियों से एक श्रेष्ठ गाय से एक कैलेंडर साल में 10 से ज्यादा बछड़े और बछियां उत्पन्न की गई हैं। भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक हमारे देसी नस्ल के पशुओं में खासकर अति उत्तम नस्ल के पशु बहुत ही गिने चुने हैं और उनका संवर्धन बहुत तेज़ी से करने के लिए इस तकनीक का बहुत उपयोग किया जा सकता है। विशेष तौर पर जो उत्तम नस्ल के सांड उत्पन्न करने के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी या भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसमें जो बहुत ही अति उच्च कोटि के पशु हैं उसका कृत्रिम गर्भाधान एक अच्छी नस्ल के सांड से करा के और बहुत सारे 8 से 10 भ्रूण एक साथ तैयार किए जा सकते हैं जिन्हें 7 दिन के बाद उस अच्छी नस्ल के पशु में से निकाल कर जो ग्राही और दाता पशु के अलावा जो सरोगेट मदर इसको हम कहते हैं ग्राही पशु जो कम उत्पादन वाले पशु हैं उनका उपयोग करके उनमें प्रतिस्थापित कर सकते हैं और इस प्रकार से एक साल में हम एक गाय से 8 से 10 बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः हमने देखा होगा कि एक गाय एक वर्ष में एक बच्चा या पूरे जीवन काल में 8 से 10 बच्चे दे पाती है, लेकिन भ्रूण प्रतिरोपण तकनीक के द्वारा ये एक साल में 8 से 10 बच्चे और अति उच्च नस्ल के गोवंशों का इस तरह से संवर्धन और उसका विस्तरीकरण बड़ी आसानी से और कम समय में किया जा सकता है। हमने अभी इसको ग्राम स्तर पर भी प्रदर्शित किया है। इसके साथ साथ भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक को भी हम ग्राम स्तर तक ले गए हैं और किसान के घर में हमने इस भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का भी सफल प्रदर्शन ग्राम स्तर पर करके दिखाया है। संस्थान के प्राथमिक उद्देश्यों में अधिक उत्पादन के लिए संकर नस्ल की गायों के आनुवंशिक विकास के साथ साथ एक नई संकर नस्ल फ्रीजवाल को विकसित करना, देसी नस्लों में दुग्ध उत्पादन और भार वाहक क्षमता बढ़ाना और साथ ही संकर सांडों का क्षेत्रीय संतति परीक्षण कर गायों का आनुवंशिक स्तर सुधारना शामिल है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ द्वारा एवं भारतीय सैन्य फार्म के सहयोग से एक दुधारू नस्ल फ्रिजवाल का विकास किया गया है। इस नस्ल का विकास करने के लिए देसी नस्ल साहिवाल की गाय को विदेशी नस्ल के होल्स्टीन फ्रिजियन से क्रॉस करा करके इसको विकसित किया गया है। इसमें 62.5% विदेशी रक्त है और 37.5% देसी नस्ल के रक्त है और ये एक दुधारू नस्ल विकसित की गई है जो कि 300 दिन के ब्याप में 3628 किलो दूध देती है तथा इस गायों का प्रथम ब्यात आयु 970 दिन है जो कि अन्य गायों की अपेक्षा काफ़ी कम है। इसके दूध में वसा का प्रतिशत भी 3.9% है। हमारा संस्थान फ्रिजवाल नस्ल के सांडों से प्राप्त वीर्य को इकट्ठा करके देश भर में किसानों को उपलब्ध कराता है जिससे कि वो होल्स्टीन फ्रिजियन संकर गायों को संकरित करा करके अधिक से अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। संस्थान में समय समय पर किसान गोष्ठियों और प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहता है। इनमें किसानों को वैज्ञानिक विधि से पशुपालन की विस्तृत जानकारी दी जाती है। संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों के परिणाम किसानों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए हम विभिन्न किसान मेलों और गोष्ठियों का आयोजन करते रहते हैं या फिर अन्य एजेंसी और संस्थानों द्वारा आयोजित किसान मेलों और गोष्ठियों में प्रतिभाग करते रहते हैं। किसानों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है और किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए हम किसानों को अपने संस्थान में लेकर आते हैं और 1 दिन से लेकर 3 दिन तक का प्रशिक्षण निशुल्क प्रदान करते हैं। संस्थान में पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन, पशु पोषण, पशु शारीरिकी, पशु प्रबंधन, पशु पुनरुत्पादन जैसे विषयों के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। किसान भाई इन विषयों से संबंधित कोई भी जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। फ्रिजवाल और स्वदेशी नस्ल के उत्तम गुणवत्ता वाले सांडों का हिमीकृत वीर्य संस्थान और इसकी विभिन्न इकाइयों में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो देश में पाए जाने वाले पशुओं और कुक्कुट में आनुवंशिक सुधार कर उनकी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने का अतुलनीय काम कर रहा है।